आज घर में सभी का मन था कि कुछ हल्का फुल्का सा ही लंच किया जाए। फ्रिज में पड़ी थी तुरई, तो सोचा कि उन्हें तुरई और दाल को मिक्स कर एक बहुत ही हेल्दी और लाइट सी सब्जी बनाई जाए। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको पसंद आए तो इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले कढ़ाई में ले लेंगे तेल। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए उसमें डालेंगे जीरा और थोड़ी सी हींग। अब इसमें डालेंगे लहसुन। तो 7 से 8 कलियां लहसुन को मैंने ऐसे कूट लिया था। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो आप इसके बदले अदरक का यूज़ भी कर सकते हैं। लहसुन को 1 मिनट के लिए फ्राई कर देंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन इसे नहीं करना है। अब इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज़ का प्याज, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया था। प्याज और लहसुन को अच्छे से फ्राई कर देंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। तो अगर आप लहसुन और प्याज नहीं खाते तो आप कड़ी पत्ता और अदरक को यूज़ कर भी ये सब्जी बना सकते हैं। तो अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पानी, जिससे कि प्याज और ज़्यादा ब्राउन नहीं होगा और ये एक पेस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे अब लगातार चलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। और अब इसमें डालेंगे कुछ बेसिक से मसाले, जैसे कि लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर अच्छे से लाल रंग के लिए। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, 1 चम्मच के करीब कसूरी मेथी जिसे मैंने ड्राई रोस्ट करके क्रश करके लिया है, और थोड़ी सी हरी मिर्च। इन सभी मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे जब तक कि ये तेल नहीं छोड़ने लगते। तो 1 मिनट से भी कम समय के लिए इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर आप भून लें। और अब इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो 1 बड़ा टमाटर मैंने लिया है, जिसे बारीक चॉप कर लिया है। और टमाटर ऐड करने के बाद में अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, ताकि टमाटर जल्दी और अच्छे से गल जाए। तो टमाटर को अब हमको ढककर पकाना है लो फ्लेम पे, जब तक कि ये अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाता। तो 3 से 4 मिनट के बाद ही टमाटर अब अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। इसे हल्का सा आप लैडल की सहायता से क्रश कर दें, ताकि ये एक पेस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो हमारा मसाला है बिल्कुल रेडी। और अब हम इसमें डालेंगे तुरई। यहाँ पर मैंने 1/2 किलो तुरई ली है, जिसे ऐसे 1/2 इंच के टुकड़ों में गोल गोल काट लिया है। और साथ में ऐड करेंगे दाल। तो यहाँ पर मैंने मसूर की दाल ली है, जिसे 1/2 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। करीब 1/4 कटोरी यानी 3/4 कटोरी मैंने दाल ऐड की है। आप चाहे तो यहाँ धुली हुई पीली मोगर की दाल या फिर चना दाल भी यूज़ कर सकते हैं। मसूर की दाल खाने में और पेट में बहुत हल्की रहती है, इसलिए आज मैंने इसे ही ऐड किया है। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से एक बार फ्राई कर देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। तो तुरई में पानी काफ़ी होता है, उसका वाटर कंटेंट काफ़ी हाई होता है। तो इस स्टेज पे आपको पानी ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल भी तले से चिपकेगी नहीं। जब एक बार सभी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो जाए, उसके बाद में इसमें 1 ग्लास के करीब पानी ऐड करेंगे और इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे ढककर, जब तक कि तुरई और दाल अच्छे से गल नहीं जाती और अच्छे से मेल नहीं खा लेती। तो ये सब्जी बनने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगाती है, और क्योंकि हम इसे प्रेशर कुकर में नहीं बना रहे हैं तो इसके जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो भी इंटैक्ट रहते हैं। तो आप देख सकते हैं तुरई भी थोड़ी थोड़ी खड़ी सी है। अगर आप चाहें इसे ज़्यादा गलाना तो आप इसे थोड़ा और पका सकते हैं। तो हमारी बहुत ही पौष्टिक तुरई मसूर दाल की सब्जी है बिल्कुल रेडी। आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें प्लेन राइस या फिर जीरा राइस के साथ में। इसमें डालें खूब सारा हरा धनिया, और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर 1 चम्मच देसी घी भी डाल सकते हैं, इससे इसका फ्लेवर और एनहेंस हो जाएगा। तो आप ये सब्जी मेरे तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करें, आई एम श्योर आपको बहुत अच्छी लगेगी। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब या फिर फॉलो भी करें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे।